1906 के अंदर एक दिल्ली में एक हकीम था जो दिल्ली के लोगों को एक ऐसी ड्रिंक बनाना चाहता था जो दिल्ली के लोगों को हीट स्ट्रोक से बचा सके। उसने एक ऐसी ड्रिंक बना दी और उस ड्रिंक का नाम रखा उसने रूह अफजा। और ये कौन था, आई देखते इस वीडियो के अंदर। मैं बात करूँ आकिम अब्दुल मजीद की जिसने रूह अफजा को इन्वेंट किया था। इसको इन्वेंट करने के पीछे रीजन था ताकि दिल्ली के लोगों को सख्त गर्मी से बचा सके। आकिम अब्दुल मजीद के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था आकिम अब्दुल हमीद, छोटे बेटे का नाम था आकिम अब्दुल सईद। आकिम अब्दुल मजीद ने उस छोटे से क्लिनिक को 1920 के अंदर एक लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया, उस लेबोरेटरी का नाम रखा हमदर्द। और आकिम अब्दुल मजीद की मौत के बाद उसके बड़े बेटे ने आकिम अब्दुल हमीद ने उस अपनी को संभालना शुरू किया। और कुछ वक्त के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तब आकिम अब्दुल मजीद के बड़ा बेटा वहीं पे रहा और छोटा बेटा आकिम अब्दुल सईद पाकिस्तान माइग्रेट हो गया। पाकिस्तान माइग्रेट होने के बाद उसने दो कमरों में अपना लेबोरेटरी स्टार्ट किया और कुछ ही साल के अंदर उसने अपनी उस कंपनी को प्रोफिटेबल बना दिया। जब 1971 के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तब उसकी जो बांग्लादेश के अंदर जो लेबोरेटरी बांग्लादेशी लोगों को गिफ्ट कर दी और उससे मरने से पहले ही अपनी कंपनी को एक वक्फ कर दिया। वक्फ एक इस्लामिक चैरिटी है जहाँ पे लोग अपने एसेट्स को किसी काम के लिए लगा देते हैं। आज हमदर्द लेबोरेटरी इंडिया जिसका टर्नओवर साल का 600 करोड़ रुपए है और उसकी FMCG मार्केट एस्टिमेटेड 4 या 5% मार्केट शेयर है। आज हमदर्द पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बन चुका है। हमदर्द पाकिस्तान की पहली कंपनी थी जिसका एड टाइम स्कोर के अंदर चलाया गया था। आज रूह अफजा पाकिस्तान बहुत सी रूह अफजा को एक्सपोर्ट करता है जैसे दुबई और दूसरे शहरों के अंदर। जब 2019 के अंदर जब इंडिया में रूह अफजा की मटेरियल की कमी पड़ी तब इंडियन लोगों ने दुबई से रूह अफजा को मंगा के अमेजोन के अंदर सेल किया।